आपको डाइस के सवाल आते हैं, उन्हें करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए डाइस की 6 फेसेस होती हैं, और जो हम खेलते हैं लूडो में जो खेलते हैं उसमें जो डाइस यूज होता है वो ये है, और इसे कहते हैं मानक पासा। क्योंकि मानक पासा में जो अपोजिट फेसेस होती हैं उनका सम 7 होता है, मतलब कि जो भी अपोजिट फेसेस होंगी अगर हम उनके नंबर्स को जोड़ेंगे तो उन्हें जोड़ने के बाद 7 आएगा। मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि सवाल इसका आता भी नहीं है, ये तो बहुत इजी होता है। अगर इसका सवाल आता भी है तो उसमें सवाल में दिया होता है कि मानक पासा है, तो हम इसमें देख के ही उसमें देख के ही लगा सकते हैं कि अगर उसमें पूछा है कि वन का अपोजिट क्या है तो वन का अपोजिट क्या होगा इसमें, 6। तो हम एक नॉर्मल पासे की बात करेंगे जिसमें कि कुछ भी दिया होता है, कुछ भी नंबर से दिए जा सकते हैं, या 2, 5 कुछ भी दिए जा सकते हैं इसमें। उसका जरूरी नहीं है कि उसके अपोजिट फेस का सम 7 होगा। तो चलिए हम उसकी ट्रिक देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये कोई पासा है, ये कोई पासा है, ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है। अब देखिए 1, 2, 3 हम तो कुछ भी रह सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है। अब देखिए जो भी हमें फेस दिखाई दे रही है 3, देखिए अगर हम कोई भी पासा अगर हम उठा के देखेंगे तो हमें एक डायरेक्शन से केवल हम इसकी 3 फेसेस देख सकते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट इन दोनों में से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इसी के सामने आ गए, इसके पास में आ गए, तो उधर कैसे पहुंच जाएगा। तो देखिए 1 का अपोजिट इन दोनों में से 3 और 2 में से नहीं हो सकता, और इसी तरीके से 2 का अपोजिट 1 या 3 नहीं हो सकता, और इसी तरीके से 3 का अपोजिट 1 या 2 नहीं हो सकता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर सवाल में अगर डायरेक्ट हमारे दिमाग में अगर ये चीज़ आ जाती है तो हम इससे भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं केवल इसी से हम उसका आंसर लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसके 2 रूल कराऊंगा आगे। तो हम पढ़ते हैं रूल नंबर वन। वेन वन नंबर इज कॉमन वो द डाइसिस। देखिए कहने का मतलब ये है अगर हम दो डाइस बनाए, मतलब कि अगर दो डाइस दी हुई हैं तो उसमें केवल एक ही नंबर्स कॉमन है, इसमें केवल एक ही नंबर्स कॉमन है। तो देखिए इस कंडीशन में हम पहले 1, 6 यहाँ लिखेंगे, 1, 6 यहाँ लिखेंगे, सॉरी दिख नहीं रहा था, 1, 6 यहाँ लिखेंगे, 1, 6 यहाँ लिखेंगे। तो हम इसे इस तरीके से क्लॉक वाइज घुमा देते हैं। हम 6 के बाद जो नंबर लिखेंगे वो, मतलब कि नंबर इस 6 के आगे हम क्लॉक वाइज नंबर लिखेंगे, इस 6 के आगे भी हम क्लॉक वाइज नंबर लिखेंगे। तो 6 के आगे क्या है, 4, उसके बाद 2, मतलब इस तरीके से क्लॉक वाइज 6, 4, 2, इसी तरीके से इसमें 6, 5, 3, 6, 5, 3। तो ये जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट 5 है और 2 का अपोजिट 3 है, तो ये अपोजिट आ गए। अब देखिए 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट वो है जो इसमें नंबर यूज नहीं हुआ, जो बचा हुआ नंबर है वो 6 का अपोजिट ही तो होगा। तो 6 का अपोजिट इसका अपोजिट 1 हो गया, तो 6 का अपोजिट 1 हो गया। तो हम सभी का देख लिया, हमने निकाल लिया एक दूसरे का अपोजिट, सब हमें पता चल गया। तो ये रूल नंबर 1 है, ये भी सवाल हम यूज करेंगे आगे, मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा इनके। तो अब पढ़ते हैं रूल नंबर 2। When two numbers are common in both the dices, देखिए कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से दो डाइसिस हैं तो इसमें दो नंबर्स कॉमन हैं, तो ये 6 है, ये 4 है, जो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, ये 4, ये 6 और ये 1 और ये 5, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इस हमें दिख रहा है कि यहाँ पर दो नंबर्स कॉमन है, 6 और 4, 6 और 4। यहाँ पर देखिए ये 6 है, ये 4 है, और इसमें भी ये 6 है, ये 4 है, तो यहाँ पर ये टू नंबर्स कॉमन है जैसे कि यहाँ पर लिखा था मैंने। तो दो नंबर्स कॉमन है, तो यहाँ पर बच क्या रहा है, 5 और 1 और 1, तो 5 और 1 जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो बचा जो कॉमन थे 6 और 4, 2 और 3 में से किसी एक के अपोजिट होंगे, मतलब कि 6 इन दोनों में से किसी एक का अपोजिट होगा और 4
भी इन दोनों में से किसी एक का ऑपोजिट होगा। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को हम सवालों में यूज करेंगे आगे। देखिए अब देखेंगे हम ओपन डाइसिस के बारे में। देखिए अगर हम किसी भी डाइस को ओपन करेंगे तो ऐसे बनेगी। अब देखिए सवाल आ जाता है कि ये डाइस जो ओपन करी हुई डाइस है, ये डाइस इनमें से कौन सी है। तो इनमें से कोई एक डाइस सही है जिसकी आकृति ये है, तो हमें पता लगानी है कि वो कौन सी है। देखिए इस कंडीशन में अल्टरनेट नंबर जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब कि यहाँ पर 3 1 का अपोजिट है, 3 1 का अपोजिट है और 5 4 का अपोजिट है, कि अल्टरनेट है एक के बाद एक को छोड़ने के बाद जो नंबर है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे एक को छोड़ कर। इसी तरीके से यहाँ पर 6 है तो इस दिशा में हम बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन बढ़ेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 2। 2 यहाँ कर लो बात एक ही है, तो इसके बाद 2 आएगा तो मतलब कि 6 2 का अपोजिट है, तो यहाँ पर ये इसका अपोजिट हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 का अपोजिट 1 है और 5 का अपोजिट 4 है और 6 का अपोजिट 2 है। अब देखिए हम इनमें से राइट आंसर देखेंगे कौन सा है इसका। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, अब देखिए यहाँ पर 5 के साथ 1 है तो 5 के साथ 1 है तो इसके बराबर में आ गया। देखिए 3 के साथ 1 देखेंगे, 3 के साथ यहाँ पर 1 दे रखा है और यहाँ पर 1 का देखिए और यहाँ पर अपोजिट है तो ये गलत है, क्योंकि ये तो नीचे होना चाहिए था, अपोजिट में होना चाहिए था, इसी के साथ दे दिया तो ये गलत हो गया। अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 4 के साथ दे रखा है तो ये भी गलत है, क्योंकि 4 तो अपोजिट दे रखा है, 5 4 का अपोजिट है, तो कई बार हम इसे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 2 का अपोजिट है, 6 2 का अपोजिट है और यहाँ पर बराबर में ही दे दिया इसके, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था इसके दूसरी साइड में, तो ये भी गलत है। तो देखिए अगर इस कंडीशन में हमारे 3 गलत आ गए और 4 ऑप्शन है तो हमें इसे चेक नहीं करना, सीधे हमें राइट आंसर लगा देना, क्योंकि राइट आंसर तो होगा ही, टाइम बचाने के लिए इसमें हमें अलग से दिमाग नहीं लगाना है, इसमें हमें सीधे राइट कर देना है। देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम आगे इसका। अब देखिए दोस्तों ये सवाल है, अब इसमें देखिए क्या है, 3 6 का अपोजिट है, 6 का अपोजिट हो गया और यहाँ पर 1 5 का अपोजिट हो गया और 4 2 का अपोजिट हो गया, तो ये 3 एक दूसरे का अपोजिट हो गया, हमने निकाल लिया। अब देखिए पहला है ये, अब हम इसे चेक करेंगे पहले, तो यहाँ पर दे रखा है ये 3 और 6 है और 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो एक साथ कैसे दिखाई दे जाएगा, तो 6 तो इसका नीचे हुआ ना। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पर ये 3 नंबर्स में कोई भी दो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट हमें एक डाइस में नहीं दिखाई देते, क्योंकि अपोजिट होगा तो दूसरी साइड में होगा वो, तो यहाँ पर जो 3 नंबर हैं एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, जबकि यहाँ पर 3 6 के अपोजिट है, तो यहाँ एक बराबर में दे दिया तो ये गलत है। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देख रखा है देखिए 5 और 3 और फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो ये राइट आंसर है इसका। फिर भी अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आगे वाले ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 और 1 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है और यहाँ पर एक साथ लिख दिए बराबर में ही, तो ये भी गलत, और यहाँ पर देखिए 4 और 2 एक साथ लिख दिए जबकि यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी गलत, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब देखिए आगे एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, देखिए आपने डाइस के सवाल किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा सवाल नहीं कर सकते, ये भी डाइस का सवाल है, भले ही इसमें डाइस नहीं बन रही हो, डाइस की तरह आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन डाइस का सवाल है ये, आप इससे भी थोड़ा लॉजिक लगा के कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा कर सकते हैं। और इसी तरीके बॉक्स के जो भी सवाल आते हैं, यहाँ पर कोई भी आकृति दी हो, ABCD की जगह कोई भी आकृति दी हो तो डाइस के तरीके से हो जाते हैं काफ़ी आसानी से। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाले सवाल में 1 2 3 जो भी नंबर्स दिए थे या डॉट डॉट जो भी कुछ आए, तो उनकी जगह कोई भी आकृति भी आ सकती है, तब भी आप डाइस के तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक डाइस को ओपन करने के बाद ऐसा दिखाई दे जाता है, तो ये इनमें से कौन सी डाइस है हमें ये पता लगाना है, तो ये सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी आजकल। अब देखिए यहाँ पर ई और डी है तो ई और डी ये तो बराबर में आ गया, ई और डी। अब देखेंगे हम डी के बराबर में क्या है, 1
डी के बराबर में 1 है, चलो ये ठीक है। अब देखिए ई ई तो यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट है, क्योंकि ये बॉक्स करेंगे, वो बॉक्स अगर बंद करेंगे तो ये चारों जो हैं एक ऐसा आकार बनाएंगे और सबसे नीचे उसके नीचे ई होगा, मतलब कि इन सबके अपोजिट में ई होगा, और इसी ई इसके साथ में दे दिया तो ये गलत है। अब इसे चेक करेंगे हम, पहली बात तो अगर दो ऑप्शन दिए तो हम सीधे राइट खींच देंगे इस पर, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी और ए है, डी ए, चलो ये ठीक है, डी ए है। अब देखिए ए के बराबर में क्या है, 4, ए के बराबर में 4, और डी के बराबर है 1, डी के बराबर है 1, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से और भी सवाल आ सकते हैं जो आप थोड़ा लॉजिक लगा के आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका थोड़ा फ़ायदा उठा सकें। और आपने अगर अभी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हर एक न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।